लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रही। ताजा मामला शामली जनपद के कैराना लोकसभा क्षेत्र का है, जहां पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ बोलने वाली ऑटोमेटिक मशीन है। मौर्य के माने तो राहुल गांधी अपने संसदीय सीट पर विकास नहीं कर सके, इसलिए चुनाव लड़ने के लिए केरल चले गए। बिना भेदभाव के मिली है। विरोधियों के पिछले सरकार के समय क्या होता था, कुछ का साथ कुछ का विकास करने के रास्ते पर चला करते थे। कल माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं भी चौकीदार, कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी दिए कि देश के अंदर 8 करोड़ ऐसे फर्जी लोगों को अनेक प्रकार की योजनाओं का लाभ भेजा जाता था। डीबीटी के माध्यम से